ख्याल से देख लें। बाकी भीड़ बढ़ने के बाद प्रोजेक्टर और सिस्टम की कमी नहीं है, ये तो आपकी व्यवस्था नहीं है तो लाइव चलना था। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देवऋषि नारद ने भक्ति को कष्ट से निवृत्त किया। कहने का मतलब ये काम जो संत करे, यहां एक चीज और बता दूं, लाइन सुनना गौर से, कि इंद्र को ऐरावत दीनो, शिव को चंद्रमा दीनो, मानो को मोती, दानो को सुरा दई डारो है, स्वयं नारायण को रहने की जगह दई डारो, जगत का तारक पान करके सागर के पानी खारो है। ए सहाय भयो, ढाई अंजलि में सागर के जल को पीडारो है। ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेव संगति में को न सहाय भये, जब संत क्रोध डारो है। सागर ने क्या नहीं दिया, ऐरावत दे दिया, शिव को चंद्रमा दे दिया, देवताओं को अमृत दे दिया, राक्षसों को शराब दे दिया, मानव को मोती दे दिया, और भगवान को रहने के लिए क्षीर सागर में जगह भी दे दी। लेकिन एक गौतम जब क्रुद्ध में आ गए, एक गौतम ऋषि जब रुष्ट हो गए, तो ढाई अंजलि में पूरी सागर को पीकर निकाल भी दिया, लेकिन कोई कोई इसका आत्मा नहीं कर पाया। इसलिए अगर संत रूठे तो परमात्मा भी नहीं बचा सकता, और अगर परमात्मा रूठे तो एक बार संत बचा सकता है। इसलिए संतों के भाव में रहना चाहिए। क्या कर लिया भगवान विष्णु का वास कहां, क्षीर सागर में। सब कुछ दिया, 14 रत्न दिया दुनिया को, लेकिन जब गौतम ऋषि के ताप आया, संताप आया, क्रोध आया, तो कोई कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो एक बार भगवंत ना करे वो एक बार सच्चा संत करके जाएगा, भाव होना चाहिए। सूत जी देवऋषि नारद से कहते हैं कि चलो आज मैं आपको एक और सुंदर कथा सुनाता हूं। अत्रते कीर्तयिष्यामः इतिहास पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेन पापहानि प्रजायते। चलो अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातनम्। आज मैं आपको एक पुराना इतिहास सुनाता हूं जिसके श्रवण मात्र से ही पापहानि प्रजायते। इतिहास कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम, तुंग भद्रा तटे पूर्वम, भूत्पन्न मनमुत्तमम, यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। कहते हैं तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व समय पृथ्वी पर आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विसारदः श्रोत अस्माते सुनिष्णातो द्वितीयैव भास्कर। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर है जहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वास करते हैं।
सर्व वेद विशारद, जो सभी वेदों में विशारद है। विशारद यानी पूर्ण कुशलता को पा लेना, जैसे प्रथमा माध्यमा उसके बाद में पूर्व माध्यमा उत्तर माध्यमा विशारद एक डिग्रियां है, पूर्ण जानकारी हो जाना बोलते हैं विशारद। भिक्षुको वित्तवालंको तत्पत्नी, जीवन के कितने सुख हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में अमाया, तीसरी सतवंती नारी, चौथा पुत्र सदाचारी। आज्ञाकारी नहीं, दो नंबर में भी आज्ञा मान सकता है, इसलिए सदाचारी होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कमी रहेगी तो कहानी बिगड़ जाएगी। यहां बता रहे हैं कि आत्मदेव सर्व वेद विशारद है, इनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। जथे नामे तथे गुणा, जिसकी मति इतनी मंद हो कि जैसे धुंध यानी ठंडी के समय शाम के समय कोहरा छा जाता है उसको हम कहते हैं धुंध। मदांध का एक पर्यायवाची है कि जैसे वो अंधकार में आ जाए, धुंधला जाए, कुछ दिखाई ना पड़े, ऐसे को कहते हैं धुंधली। धुआं के जैसा हो जाए, सामने कोई चीज नजर ना आए, ऐसी बुद्धि मंद थी उसकी। आत्मदेव सभी वेदों में विशारद हैं, लेकिन भाई मेरे वैराग्य की जननी का नाम नारी है, विकास में नारी का योगदान है और विनाश में भी नारी का ही योगदान है। ये चाहे तो पुजवा दे और ये चाहे तो मिटा दे। ये नारी नहीं नौरंगी है, सब कहते हैं दो रंगी है, मैं कहता हूं बहुरंगी है। ढक दे तो सारा कुल ढक दे, वरना ये माता चंडी है। कहते ना महिला, महिला का अर्थ समझो आप, मां ममता, ही हिम्मत, ला लाज। जिन माताओं के अंदर ममता हिम्मत और लाज का समावेश है, ऐसी माताओं को हम बार बार वंदन करते हैं महाराज। और मही का अर्थ पृथ्वी से होता है, जो पृथ्वी को भी हिलाने की ताकत रखती है, ऐसी आदिशक्ति स्वरूपा को भी बार बार वंदन करते हैं। जब तक हमारी आदिशक्ति नहीं जगेगी आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्हें ग्रह लक्ष्मी कहा गया है। ठीक है, आपके दुख के दिनों में आपको सबसे ज्यादा समर्पित भाव से समझाने के लिए, समझने के लिए कौन है, पत्नी है। और अगर आपकी पत्नी आपके साथ है तो हम आकाश में चले जाएंगे, हमारा सब कुछ लुट जाए, कोई गम नहीं। लेकिन अगर तुम मेरे पास है तो हम किसी से कम नहीं, बस तेरा साथ चाहिए। अगर तूने मेरा दामन पकड़ लिया ना तो अब छोड़ना मत, अब तेरे ही सहारे जीना है। यहां पर आत्मदेव जी विशारद हैं, ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, धन है, वैभव है, संपदा है, लेकिन घर की स्त्री उल्टा हो, सहन करने की शक्ति ना हो, पत्नी किसे कहते हैं। बिना कहे हृदय के भाव को समझ ले ना? भगवान राम सुरसरी को पार करते हैं, केवट को देने के लिए कुछ नहीं है, मन में संकोच किया, लेकिन जानकी ने अपने पति के चेहरे को देखकर हृदय के भाव समझ लिए और मड़ियों से रचित मुद्रिका पकड़ा दी। लो आज मांग के देखना घर में हा? कि जरा दे देना, मेरी माँ की तबीयत खराब है, दवा करवा लूं, कंगन मोड़ के फिर बना दूंगा। बोले मेरे ही लगे तुम्हें तो, बापू ने इतने दिए मिटा दिए, कभी लाए नहीं साड़ी वस्त्र, लाए भी तो थोड़े दिन इधर बाकी पड़ोसन को दे दिए। नहीं, हिया पिया की सिया
जान निहारी मन मुदरे मन मुदित ये हृदय के पिए अपने पति के जान निहारी जान लिया और मणियों से रचित मुद्रिका दे दिया। ये पत्नी है और वेदों ने कहा है कि आपति काल पर रखिए चारी धीरज धर्म मित्र और नारी कि रहे मन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए रही मन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए हित अनहित या जगत में जानी परे सबको मुसीबत आनी चाहिए थोड़े दिन के लिए क्यों ना आए लोगों की पहचान होती है मित्र कौन है शत्रु कौन है। आपति काल पर रखिए चारी धीरज धर्म मित्र अरु नारी कुछ लोगों को दिखावा करने का बड़ा शौक होता है। ऐसी माताओं को भी देखा होगा आपने घर में कोई आ गया या बाहर का कोई आ गया तो दिखावा बहुत अच्छा करते फटाफट ये भी फटाफट ये भी मतलब ये दिखाएंगे ना कि मैं सबसे ज्यादा बाकी अंदर की बात तो बस परमात्मा ही जाने। लोग आ गए तो बस हम बहुत केयर करते हैं बाकी खुद के केयर का भरोसा नहीं। ऐसी दशा आत्मदेव के घर में है। घर के अंदर घुसते ही महाभारत कहाँ थे क्या है उल्टा बकवास करना बिना कारण झगड़ा करना बिना कारण लूट जाना। और आत्मदेव जी कहते थे कि ये एहसास मुझे ये आज हुआ क्या चीज मोहब्बत होती है एहसास मुझे ये आज हुआ क्या चीज मोहब्बत होती है एहसास मुझे ये आज हुआ। आपको बताए भाव अगर सही पत्नी का है तो ही पति का कार्य पूरा होता है और अगर पत्नी ही साथ नहीं दे तो क्या करेंगे। हम तो खुश हैं आप कब कहोगे जब घर के अंदर प्रवेश करते जब आपके पास खाने की रोटी नहीं हो दुनिया ठोकर मारती हो तो सिर पे हाथ घुमाकर गोद में रखकर कहने वाला सब ठीक हो जाएगा कौन पत्नी हुआ करती बाकी कोई नहीं आएगा उस समय सब ठीक हो जाएगा ये भविष्य ये साहस बधाने वाली कौन ये पत्नी होती है। आज आत्मदेव के पास सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं और उनको पुत्र नहीं है। बताए ना आपको घर में चार ही सुख हैं पहला सुख निरोगी काया दूसरा घर में माया सतवंती नारी और पुत्र सदा। अब अगर किसी को बेटा ना हो तो इस दुख की बात तो एक बांझ औरत से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। बड़े प्यार से पड़ोसी के बच्चे को बिलाती है गोद में रखती है सहलाती है कुछ खिलाती है और अगर गलती से उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाए पता नहीं इसने मेरे बेटे पे क्या करवा दिया इसकी गोद तो सूनी है बांझ है मुझे भी देखकर अच्छी नहीं लगती ये दुख वही सह सकती जिसके यहां पुत्र नहीं। और अगर किसी को सब कुछ मिल जाए उसकी कदर ना करे तो उसे क्या कहेंगे। जीवन के अंदर श्रवण शक्ति और अपनी गलतियों को सुधारने की व्यवस्था अगर किसी के पास है तो जीवन में भवपार हो जाएगा। आज अगर एक बार द्रौपदी ने कड़वा नहीं बोला होता तो महाभारत नहीं होता। महाराजा द्रुपद के यहां सजावट सिंगार ऐसा था कि जल थल और थल जल ऐसा नजर आए
दुशासन दुर्योधन गिर गया तो क्या हुआ? इसने ना कहा होता कि अंधे के तो अंधे ही पैदा होते तो क्या महाभारत होता? अंधे के अंधे पैदा होते तो ये महाभारत होता क्या? इसलिए ये जिह्वा मौनम सर्वत्र साधनम। एक बार उन्होंने कहा कि अंधे के अंधे पैदा होते, अपमान हो गया, और वहीं तो दुर्योधन ने संकल्प ले लिया। तो रही मन जिह्वा बावरी जो पुनि बसे पताल, वो तो कहीं अंदर गई जूते खात कपाल। ये जिह्वा एक बार आगे निकल गई तो फिर कब्जे में नहीं। एक बार ये जरूरत से ज्यादा चलने लगी ना तो फिर ये अंदर नहीं आती। एक शब्द कहा था ना कि अंधे के अंधे पैदा होते हैं, हो गया महाभारत। ऐसे मौनम सर्वत्र साधनम। एक बार क्या हुआ, श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण करते हो, अगर एक पंक्ति को जीवन में उतार लो। ब्रज की बालाओं ने एक बार बांस की तारीफ की है, बांस की। उन्होंने कहा कि मोसों भली श्याम की वंशी जो अधरों पे बिराजे। ब्रज की बालाओं ने कहा कि मुझसे अच्छी तो श्याम की वो वंसरी है जो कम से कम श्याम के अधर पे रहती है। कहते हैं ना, अरे मेरी कहाँ का अधर है, अब तो है ना, गलती से पर्स में कोई फोटो दिखाई पड़ जाए तो देखना रात को क्या होता है। भोजन व्यवस्था बाहर ही होगी, सफाई देते रहो, ये माया है जी। राम ही जान नारी स्वभाव, भगवान शंकर ने कहा ना, कुसमय जान ना कीन चिन्हारी। राम को देख करके वहां एक लाइन लिखी गोस्वामी जी ने कि कुसमय जान ना कीन चिन्हारी। क्या कुसमय था, संग में पति पत्नी ही तो थे, पर पत्नी का एक सबसे बड़ा स्वभाव, पति पे विश्वास नहीं करो। राम ही जाने नारी स्वभाव, कुसमय जान न कीन चिन्हारी, यही तो रहा ना। रात को अगर आपके पास फोटो मिले तो भोजन व्यवस्था बाहर ही देख लेना, घर में ना मिले। और अगर यहां पत्नी साथ नहीं दे तो क्या हो? ये जिह्वा मौनम सर्वत्र साधनम की बात है। आज यहां तारीफ की है किसकी? बंसरी की। कहते हैं ना, इनको ज्यादा प्यार करते हो, मुझे कम करते हो। इनको ज्यादा करते, कुछ लोग तो जैसे ऐसा है कि जब आप अक्सर देखना गौर से, जैसे आजकल एक क्राइम भी बहुत चल रहा है ना कि घर में जैसे दाई लगाते हो आप लोग, तो आप क्या नहीं, हमारे मुंबई वगैरह में तो ऐसे क्राइम भी होते हैं कि दाई घर में काम के लिए लगाते हैं, आप ऑफिस जाते हो बच्चे को ले जाके भीख भी मंगवा लेते हैं, मालक के आने से पहले लाके सुला देते, सजा दे, ऐसा क्रिमिनल लोग भी काम कर रहे हैं। तो जैसे कुछ लोग बैर रखेंगे, आपस में तकरार करेंगे, लेकिन आपका चाहने वाले आपके अपने लोग दिखाई पड़े तो उस समय है ऐसे दिखाएंगे कि सारा कुछ वही है। ऐसी गोपियों ने कहा कि मोसों भली श्याम की वंशी जो अधरों पे विराज। अब यहां पर बांस की जाति की प्रशंसा नहीं हुई, बंसरी के गुण की प्रशंसा हुई है। बंसरी का पहला गुण, बिना बुलाए बोलती नहीं। बोलती है क्या बंसरी? बिना बुलाए कभी बोलती नहीं। ऐसे चर्चा विवाद का कारण है, बिना प्रयोजन की चर्चा से ही विवाद होता है। दूसरा गुण,
वो अंदर से खोखली है, उसमें कोई कपट की गांठ नहीं। और आप कहते हैं देख लो स्वामी जी कथिक बोलन लग रहा, कथा हो जान दे फिर कदी देखूं तुझे, खुद को तो देख जरा। हम कपटी हो गए, हमारे मन में छल कपट की गांठ है तो मेरे प्रभु को तो ये पसंद ही नहीं ना। वंसरी का दूसरा गुण क्या, अंदर से निश्चल है, गांठ नहीं है। और तीसरा गुण, वंसरी के सीने पे नौ जख्म है, छिद्र है, लेकिन जब भी बोलती है मधुर बोलती है। खाली ये तीन गुण में आ जाएं आप, ये तीन गुण भी चर्चा में उतार लो तो कथा श्रवण का लाभ हो गया। कथा सुनने के बाद अगर आपने बिना प्रयोजन की चर्चा नहीं करी तो विवाद होना नहीं है। निश्चल रहेंगे प्रभु की कृपा बरसेगी, मधुर बोलेंगे तो जगत में सम्मान हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि एक बार बिहारी की चरण में तुम झुक जाओ, बिहारी सारी दुनिया को तुम्हारी चरणों में झुका देगा। एक बार झुक के तो देख लो। आत्मदेव पीड़ित है और आज आत्मदेव ने कहा है कि धनार्थ धर्म गार्गेण ताभ्यम नीतम तथा पिच ना पुत्र ना पिवा पुत्री तस्व चिंता तुरोभ्रसम। अब मैं क्या करूं, ना पुत्र है ना पुत्री, इस धन और धर्म का मैं क्या करूं। आज आत्मदेव ने निर्णय लिया, एकदा साध जौ दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। आज एकदा एक बार द्विज यानी ब्राह्मण ने घर को त्याग दिया और वन यानी जंगल की ओर चल पड़े। गृहिणी घर की लक्ष्मी अगर अपने पति को सिरमौर्य बना ले तो जीवन में आनंद बरस जाए। वन की ओर गए हैं और आज निर्णय ले लिया है कि जीने का भी कोई मकसद नहीं। किसके लिए जीना, आप किसके लिए जीते हो, जीने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस योर लाइफ। खाया पिया सोया, ये काम तो हर कोई करता है, बस इतने के लिए जी रहे। हमारा सनातन गुरुकुल में ये बातें पांच दिन में सिखा देता था और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे बीबीए एमबीए जो करने जाते हैं ना, उन्हें सिर्फ जीवन जीने की कला ही सिखाई जाती, उसके लाखों रुपया दे देते, लेकिन माँ बाप से नहीं सीखेंगे। आप बताइए, आज लाइव टेलीकास्ट चल रहा, वाह वाह तालियां दे रहे हो। धृतराष्ट्र को संजय ने कब दिखाया लाइव टेलीकास्ट, द्वापर में। आज वायुगमन है, वाह प्लेन में जा रहे। अरे हमारे संतों ने तो इसे बहुत पहले करके छोड़ दिया जो तुम आज कर रहे हो। भारत के अंदर ऋषि से ही रिसर्च होता है, अगर भारत में ऋषि नहीं तो रिसर्च होता ही नहीं, ठीक है। भारत के अंदर तो यह व्यवस्था है कि अगर महिला जा रही है गर्भवती है एक नजर मार दे तो कह दे जा बेटा होगा। लेकिन संत की बातों को आपने ठुकरा दिया, सोनोग्राफी कराने बैठ गए, उसके सारे टेस्टिंग में चले आए, बहुत सारी प्रक्रियाएं आने लगी कि देखो लड़की है लड़का है। ऋषि से ही रिसर्च हुआ है, पता है क्यों, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। इस सृष्टि की संरचना जब की जाने लगी तो इस मानव तन को पांच तत्वों से बनाया गया और उस पांच तत्व को बनाने वाले परमात्मा ने इस स्वरूप में अवतार लिया है।
अब बताइए जिसने बनाया वो ज्यादा अच्छा जान सकता है आपको या देखने वाला है? सत्य सनातन सनत कुमार पाराशर ये सारे लोग कौन है? ऋषि परंपरा है ना, इन्हीं ऋषियों को अगर आप जानेंगे तो जीवन का आनंद आएगा। आज घर कोई छोड़ना नहीं चाहता, माया को कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन संपूर्ण रूप से इस दुनिया में अपनों का परित्याग, जहां सब कुछ करने के बाद एक पैसे की कद्र ना हो, जिनको बनाने के लिए हमने अपने आप को मिटा दिया हो, जिनके लिए हम सदा जीते रहे हो, ये पूरे संसार के लोग जब ठुकरा दें तब यहां से अनुराग की शुरुआत होती है। और यही अनुराग वैराग्य बन जाता है। आत्मदेव ने विवाह किया है, पत्नी है, धन है, वैभव है, विद्या है, लेकिन आज आत्मदेव कहते हैं कि ना बेटी है ना बेटा है, पत्नी है वो भी साथ नहीं देती, तो क्या करना, छोड़ दिया है घर, चलो जाते। और आज कहते हैं कि देख लिया दुनिया का ये सारा नजारा, देख लिया दुनिया का ये सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। आज आत्मदेव कहते हैं ना कोई, खूब किया मैंने, विद्या अर्जन किया, आचार्यों के सानिध्य लिया, पत्नी के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज मेरा कोई नहीं है। मेरे भाई बहन, जब तक तुम्हें यह एहसास होगा ना कि तुम्हारा कोई है, तब तक सुंदर साथी नहीं मिलता। और जब यह पता लग जाए कि अब कोई नहीं, उस दिन जो साथी मिल जाए वही तुम्हारा, क्योंकि उस दिन तुम्हें परमात्मा मिलता है, इंसान के स्वरूप में परमात्मा, वही आपका सच्चा साथी। कहते हैं रे, मतलब से संसार शीश झुकाए, मतलब से मतलब से
आज आत्मदेव वन की तरफ चले गए हैं। मध्याहृते त्रिशतौ जातस्तम रागम समुपेमा एकदा साधु जो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गता। अक्सर मेरा जहां तक अनुभव है कि जिस आदमी ने पेड़ लगाया वो कभी फल नहीं खाता, और जिसने आसियां बनाया वो कभी उसमें रहता नहीं। अक्सर ऐसा होता है, समय का चक्र ऐसा है। हमने 40 वर्ष की अवस्था हो गई, 41वें में प्रवेश किया है। हमने आज से पहले खाली भारत भारत ही नहीं, विदेशों में भी जाकर देखा है, भूखे और प्यासे लेह करके लोगों की सेवा भी करके देखी है, लोगों को बनाने के लिए मान सम्मान दांव पे रख करके भी देखा, लेकिन 1000% हमने लोगों को अपना माना, पर हमें अपना मानने वाला कोई नहीं मिला। ऐसा होता था कि भगवान के मंदिर में आकर के तुम क्या मांगते हो, बेटी की शादी, लड़के का ब्याह, अपना घर, अपना मकान। मेरे भाई बहन, एक बार तुम भगवान को ही मांग लो तो सब अपने आप आ जाएगा। ये भाव श्रीमद् भागवत कथा से, एक बार भगवान को मांग लो, भाव ऐसे होना चाहिए। अक्रूर जी का आगमन एक बार ब्रज में हुआ था, माँ यशोदा ने कहा मेरा नंदलाल, मेरा कान्हा, मेरा गोपाल मुझे याद भी करता है क्या? अक्रूर जी ने कहा मैया, याद तो वो करते हैं जो भूल जाते हैं। हम परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा तो हमें कभी भूलता ही नहीं।